तो जैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी कि भाई चार्ज के अंदर क्या क्या गुण गुण अवगुण जो गुण दोष होते हैं वो सब हमने देखा। अब हम लोग चार्ज, जैसे हमें मान लो जरूरत पड़ती है कि कहीं पे हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए चार्ज चाहिए, या कोई सवाल के अंदर हमको चार्ज जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो चार्ज रियल लाइफ में असली जिंदगी में चार्ज को हम लाते कहां से हैं, किस जगह से हम चार्ज को लाते हैं और कैसे हम लोग चार्जिंग करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। चार्जिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तरह तरह के मेथड्स होते हैं, तो वो सारे मेथड मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं। तो चार्जिंग के जो मेथड्स होते हैं मैं आपको कई सारे मेथड्स बताने वाला हूं, बेसिकली 6 मेथड्स बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहला जो इसके अंदर ओल्डेस्ट नोन मेथड है, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से चार्जिंग। फ्रिक्शन से चार्जिंग क्या होती है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना होता है। फ्रिक्शन से जो चार्जिंग होती है आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन से जो चार्जिंग होती है वो कैसे होती है, देखो कई बार ऐसा होता है, आपने नोटिस किया होगा कि कंघी लेते हैं, हम कंघी से बाल झाड़ते हैं और बाल झाड़ने के बाद जो कंघी होती है हमारे जो ये होते हैं ना, ये रोइंग होते हैं, इनको अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है। तो ये चार्जिंग में बाल झाड़ोगे आप तो फ्रिक्शन आएगा। या बहुत सारे ऐसे पेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे जोड़े होते हैं जिनको आपस में रब करो तो रब करने के बाद कोई एक जो है दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी चार्जिंग में फ्रिक्शन है। तो चार्जिंग में फ्रिक्शन जो होता है उसमें कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि सिल्क को ग्लास रॉड से रब करो, किताबों में जो लिखा रहता है, ठीक है। या कैट फर यानी बिल्ली की खाल को आप एबोनाइट रॉड से रब करोगे, ठीक है, तो भी चार्जिंग में फ्रिक्शन हो जाती है। तो चार्जिंग में फ्रिक्शन में यही होता है कि कुछ ऐसे पेयर ऑफ मटीरियल्स होते हैं जिनको हम लोग आपस में एक दूसरे से घिस देते हैं, रब कर देते हैं, तो वो चार्ज हो जाते हैं। अब होता क्या है, ये क्यों ऐसा होता क्यों है, मोटा मोटा आप इस तरह समझ सकते हो कि हर मटेरियल की अपनी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी होती है। जैसे मान लो कि ये एक डस्टर है और ये सपोज करो मेरी पर्स है, इसकी अपनी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मोहब्बत करता है, ये इलेक्ट्रॉन से कम करता है, इफिनिटी का मतलब प्रेम होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉन इफिनिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो अब अगर हम दोनों को रब करेंगे तो रब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा मोहब्बत करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा, पास बुला लेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बेसिकली उसकी एक टेबल होती है, बुक्स में टेबल दी रहती है कि किसकी फ्रिक्शन की इलेक्ट्रॉन इफिनिटी कितनी है। लेकिन मोटा मोटा आप ऐसे समझ सकते हो कि दो अलग अलग मटीरियल में रब करेंगे तो कोई एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मोहब्बत करता है तो उसमें नेगेटिवली चार्ज जाएगा, दूसरा वाला पॉजिटिवली चार्ज जाएगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है कि हम दो मटेरियल्स को आपस में रब करते हैं और वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। ये ओल्डेस्ट नोन मेथड है नेचर में। जब से आदमी चार्ज के बारे में जानना शुरू किया है, एक तो चार्ज के बारे में कैसे जाना होगा, आसमान से बिजली गिरती रही होगी तब बोला होगा कि भाई विद्युत आ गए, बिजली आ गई, चार्ज आ गया। दूसरा ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था कि दो चीजों को हमने रब किया और रब करने के बाद देखा कि वो, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो आप सोच सकते हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा कि खूब बढ़िया बढ़िया सूखे बाल को झाड़ो और छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो है उनसे कंघी को टच कराओ तो कागज के टुकड़ों को कंघी जो है अट्रैक्ट करने लगती है, कॉम्ब उसको अट्रैक्ट करने लगता है, कंघी कॉम्ब, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको आपस में रब करें तो वो चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं नोट कर दे रहा हूं, लिखो लिख दे रहा हूं, सर्टेन पेयर्स व्हेन रब्ड अगेंस्ट, सर्टेन पेयर्स व्हेन रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, certain pairs when rubbed against each other becomes charged, rubbed against each other becomes charged, this is called charging by friction। Certain pairs when rubbed against each other becomes charged, this is called charging by friction। कुछ ऐसे pairs होते हैं जिनको एक दूसरे से rub करेंगे तो वो charge हो जाते हैं और charge होने के बाद भाई एक positively charge जाएगा एक negatively charge जाएगा। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है कि जब हम charging by friction करेंगे तो जो body negatively charge हुई है उसका mass घटेगा या बढ़ेगा, सोचो। दो को हमने घिसा, एक body negatively charge हो गई तो उसका mass बढ़ेगा या घटेगा या constant रहेगा।
तो जो नेगेटिवली चार्ज हुई है उसका मास बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हुई क्यों है? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन आए हैं तो मास बढ़ जाएगा उसका, तभी तो वो उस तरह से होगा। ठीक है, तो दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब भी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है तो बॉडीज के मास में स्लाइट चेंज आ जाता है। ठीक है, तो इस बात को मैं नोट भी कर देता हूं। इन दिस मेथड द मास ऑफ द बॉडीज changes slightly. इन दिस मेथड द मास ऑफ द बॉडी चेंजेस स्लाइटली, बॉडी का मास जो है उसमें हल्का फुल्का फर्क आ जाता है। दूसरा, ये भी एक जानकारी वाली बात है इस मेथड की कि ये जो मेथड होता है वो ओल्डेस्ट नोन मेथड है चार्जिंग का, दुनिया का सबसे पुराना तरीका है चार्जिंग का। ये भी मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज ओल्डेस्ट नोन, दिस इज ओल्डेस्ट नोन मेथड ऑफ चार्जिंग, दिस इज ओल्डेस्ट नोन मेथड ऑफ चार्जिंग। ये चार्जिंग का सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, सबसे पुराना वाला तरीका है चार्जिंग का। अब ये तो एक बात हो गई चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जो चार्जिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, अपने आसपास आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, आप अपने मन में अगर अभी सोचो तो बहुत सारे एग्जाम्पल और कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल अगर आपने देखे होंगे तो यूट्यूब पे वो एग्जाम्पल मुझे लिख के आप बताइएगा। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग अलग टाइप के एग्जाम्पल अगर होंगे तो जैसे जब वीडियो अपलोड होगा ना यूट्यूब पे तो वहां पर आप लिख के बताइएगा मुझे कि ये अलग एग्जाम्पल, तो मैं उसको अगली क्लास में यूज करूंगा। ठीक है, कुछ नए नए तरह तरह के इनोवेटिव ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम लोग करते हैं। खैर, तो अब ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक तरीका हो गया। दूसरा जो इसके अंदर मेथड आता है चार्जिंग का, दैट इज चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से चार्जिंग। ठीक है, तो वैसे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग मॉडर्न फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो बकायदा कम से कम इसमें 4 से 5 लेक्चर ही पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये काफी बड़ा टॉपिक होता है। लेकिन फिलहाल अभी मैं जितना चार्जिंग में रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना आपको बताऊंगा, मतलब चार्जिंग का एक ये स्टैंडर्ड मेथड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चार्जिंग में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है मैं आपको समझा दूं। कुछ ऐसे पेयर ऑफ मटीरियल्स होते हैं, पेयर क्या, कुछ ऐसे मटीरियल्स होते हैं खास करके एल्कली मेटल्स, जैसे सीजियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं खास करके जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनके ऊपर अगर हम सफिशियंट फ्रीक्वेंसी, पेयर ऑफ मटेरियल्स हैं, अगर हम उनके ऊपर सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिनाएं तो ये जो मटेरियल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करने लगते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन करने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने लगेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकालने लगेंगे तो ये खुद कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन निकल निकल के जाएगा, मान लीजिए वहां कोई मेटल पड़ा हुआ है उसके ऊपर जाके गिरा तो वो मेटल नेगेटिवली चार्ज जाएगा। तो कुछ ऐसे पेयर ऑफ मटेरियल्स होते हैं जब उनके ऊपर हम सफिशियंट फ्रीक्वेंसी, अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराते हैं तो वो मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगते हैं। ये जो फिनोमिना होता है इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस के अंदर ये जो मेटल होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और बाकी क्या होता है, कितना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कितनी करंट होती है, ये सब बहुत चर्चा डिटेल बात है, जब मॉडर्न पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल अभी अपने काम की बात है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर सफिशियंट फ्रीक्वेंसी की लाइट गिराओ ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और वो मटेरियल जो है वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे करते हैं। सर्टेन मेटल्स, लिख देता हूं मैं, सर्टेन मेटल्स व्हेन इल्यूमिनेटेड certain metals when illuminated with light of sufficient frequency sufficient frequency
Certain metals, when illuminated with light of sufficient frequency, emit electrons. This phenomenon is called photoelectric effect. ये जो फिनोमेना है इसी को हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. और इस प्रोसेस में जो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मेटल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. ठीक है. इन दिस प्रोसेस द मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. In this process, the metal becomes positively charged. तो photoelectric effect हमको पढ़ना नहीं है. photoelectric model में अपने आएगा, physics के अंदर आता है और detail में आता है. सवाल भी खूब आते हैं इसमें, तो उस समय पढ़ेंगे. फिलहाल अभी अपने काम की बात है. कुछ खास metals होते हैं, खास करके alkali metals, उनके ऊपर अगर हम पर्याप्त frequency की, खूब ज्यादा frequency की, sufficient frequency की light अगर गिराएं तो ये electron निकालने लगते हैं और इस phenomena को photoelectric effect कहते हैं. इस process में जो metal होता है, electron निकाल के metal positively charge जाएगा तो हमें जो metal है वो मिल गया. ठीक है. तो इस तरह से ये दो method हो गए. तो जैसे चार्जिंग के मेथड थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया, चार्जिंग बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया. ये भी एक इफेक्ट आता है, चार्जिंग बाय थर्मियोनिक एमिशन. ठीक है. थर्मियोनिक एमिशन जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको समझाने जा रहा हूं. कुछ मेटल्स होते हैं, सारे मेटल्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ खास मेटल्स होते हैं. ठीक है. जिनको अगर हम सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीट दे दें. यहां भाई हमने हीटर लगा दिया. ठीक है. ये हीटर है और ये हीटर इसको खूब ज्यादा हीट दे रहा है. तो देखा यह गया है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे तो ये खुद क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे. तो इसी फिनोमेना को हम लोग थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं. कुछ मटेरियल्स होते हैं, सारे मटेरियल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जिनको अगर हम खूब ज्यादा हीट कर दें, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीटिंग कर दें, तो ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं और इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम थर्मियोनिक एमिशन के नाम से जानते हैं. ठीक है. तो मैं इसको यहां पर लिख भी दे रहा हूं. Certain metals, when heated sufficiently, emit electrons. This phenomenon, this phenomenon is called thermionic emission. कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम सफिशियंटली हीट करें तो वो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन करते हैं और इस फिनोमेना को हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं. ठीक है. तो अब ये होता है, मतलब कुछ खास मेटल्स होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो ये फिनोमेना होता है. अब इसके अंदर क्या आता है कि जैसे छोटी सी, मतलब जैसे कहानी टाइप की, किस्सा टाइप का मेरा सुनाने का बार बार मन करता है जब भी मैं थर्मियोनिक एमिशन पढ़ाता हूं बच्चों को. तो एक इंटरेस्टिंग सी बात है बताने जा रहा हूँ. किसी मेरे सीनियर ने बताया था, उसके कॉलेज की घटना थी. वो किसी और आईटी में पढ़ता था, मैं तो आईटी कानपुर से हूँ, वो आईटी रुड़की में पढ़ता था. तो उस समय रुड़की जो है वो आईटी नहीं था, उस समय रुड़की अलग ही कॉलेज था हम लोगों के टाइम जब हम लोग वो करते थे. तो उनके कॉलेज में क्या हुआ था कि एक जैसे एग्जाम के बाद जो है वो वाइवा होता है ना, तो वाइवा में जो है एक वाइवा चल रहा था. तो एक सरदार जी से, बड़ा मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा. एक सरदार जी से ये पूछा गया कि भाई थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है.
तो सरदार जी ने कहा कि जब हम मेटल्स को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसी को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। तो फिर सरदार जी से पूछा गया कि क्या सारे मेटल्स में ऐसा होता है या कुछ खास मेटल्स होते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई सारे मेटल्स में ऐसा होता है, जबकि सही बात यह है कि कुछ खास मेटल्स होते हैं जिनके अंदर ये फिनोमिना होता है। तो जो एग्जामिनर था वो उसको मजा लेने का मन किया होगा या जो भी बात हो, ठीक है, तो उसने ये बोला कि अच्छा ये बताओ भाई कि आप रोटी खाते हो? तो सरदार जी ने बोला हाँ बिल्कुल रोटी खाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि रोटी किस पे सिकती है? तो उन्होंने बोला कि रोटी तवे पे सिकती है। तो बोले कि भाई तवे को हीट करते होंगे तो तवे से इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे, ठीक है। तो सरदार जी का माथा ठनका कि भाई अभी कुछ तो फंसाने जा रहा है आदमी। तो उन्होंने बोला कि हाँ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो उसने कहा कि अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे तवा है उसको हीट करना है, इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे तो वो रोटी में जाते होंगे। सरदार जी ने बोला हाँ बिल्कुल रोटी में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा तो आप ये रोटी खाते हो तो और बचपन से खाते आ रहे हो? सरदार जी बोला बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि जब बचपन से आप रोटी खाते आ रहे हो तो दो लोग एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खा गए होंगे बचपन से लेके आज तक, पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन खा गए होंगे, तो दो लोग एक दूसरे को रिपेल क्यों नहीं करते हैं? तो ये तो बात होगी। अब थोड़ी देर मतलब इसका जो भी जवाब रहा हो, लेकिन सरदार जी का जवाब जो था वो इंटरेस्टिंग था और वो बताने को मेरा मन करता है। सरदार जी ने थोड़ी देर तक सोचा, उसके बाद बोला कि सर मैं रोटी झाड़ के खाता हूँ, ठीक है, रोटी को मैं झाड़ के खाता हूँ इसलिए इलेक्ट्रॉन में नहीं खाता हूँ और इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे दो लोग रिपेल नहीं करते। खैर, तो कुल मिला के मेरा बताने का मतलब था कुछ खास मेटल्स होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का एमिशन करते हैं। ये भी चार्जिंग का एक मेथड है, थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। चार्जिंग का एक और मेथड होता है चार्जिंग बाई, अगला मेथड मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, चार्जिंग बाई फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन ये भी एक मेथड होता है, पॉपुलर मेथड बहुत नहीं है लेकिन अच्छा मतलब इस मेथड से भी हम लोग चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग बाई फील्ड एमिशन में हम क्या करेंगे कि कुछ कुछ मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर हम कोई जैसे मेटल है मान लो, हम इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ऐसे। ये मेटल्स हैं, इनके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और अगर हम इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो अभी आगे वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन आगे पढ़ाऊंगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्जेस उसके उल्टे उसके डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव चार्जेस पे उल्टे डायरेक्शन में लगता है। तो जैसे मान लो ये मेटल है, मेटल के अंदर खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है तो जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो जो फ्री इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई करी तो फ्री इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन में भागेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब कई बार होता है कि फील्ड इतनी ज्यादा होती है, इतनी अधिक होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे फोर्स इतना अधिक होता है कि ये मतलब इतना अधिक फोर्स इनके ऊपर लग जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल छोड़ के निकल जाते हैं। मेटल छोड़ के निकल गए तो ये मेटल के अंदर जो बचा पॉजिटिव चार्ज हो गया। मतलब अगर आप बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के ऊपर अप्लाई करोगे तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से जो इसके ऊपर चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस जो हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि निकल के भाग जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन ए वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन ए वेरी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अप्लाइड ऑन ए कंडक्टर sometimes on a conductor sometimes sometimes the electrons when a very strong electric field is applied on a conductor sometimes the electrons leave the conductor and it becomes and it becomes positively charged positively charged तो
अगर आप बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स इतना स्ट्रांग लग जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन निकल निकल के भागने लगेंगे और जो मेटल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एक और तरीका है चार्जिंग का, जिसे हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन कहते हैं। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन ये होता है कि जैसे मान लो कि एक कोई कंडक्टर है और कोई एक दूसरा कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर चार्ज्ड है, मान लीजिए इस पे क्यू चार्ज है और इसके कंडक्टर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में ये होता है कि जैसे एक चार्ज्ड कंडक्टर है, एक अनचार्ज कंडक्टर है, और अगर हम इस चार्ज्ड कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच करा दें, टच कराने के भी दो तरीके हैं। टच कराने का एक तो तरीका डायरेक्ट छुआ दें, इसमें इसको ले जाकर टच करा दें। दूसरा तरीका कि वायर से जोड़ दें, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दें, वो भी टच कराना ही माना जाएगा। तो अब जैसे एक चार्ज कंडक्टर था, एक अनचार्ज था, दोनों को हम कॉन्टैक्ट में लाए, तो दोनों को अगर हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, और ये फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। अगर हम किसी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को टच कराते हैं तो चार्जेस फ्लो करते हैं, और वो तब तक फ्लो करते रहते हैं जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, और इसी को हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नोट कर देता हूं, व्हेन टू When a charged conductor, when a charged conductor is brought in contact with, when a charged conductor is brought in contact with an uncharged कंडक्टर, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन अनचार्ज कंडक्टर, द चार्जेस फ्लो अनलेस देयर पोटेंशियल्स charges flow unless their potentials become equal. The charges flow unless their potentials become equal. This phenomenon is called charging by conduction. जब किसी चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर के पास में लाते हैं, कोई चार्ज कंडक्टर है इसको अनचार्ज के पास में लाते हैं, ठीक है, द चार्जेस फ्लो, चार्ज फ्लो करते हैं और तब तक फ्लो करते रहते हैं जब तक कि इनके पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते हैं, और इस फिनोमेना को हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन कहते हैं। जो भी घटना होती है इसको हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया आपका, ठीक है, जिससे चार्जिंग होती है। और अभी आपको ये आप सोच रहे हो कि भाई ये पोटेंशियल की बात कहां से आ गई, पोटेंशियल जैसे 12 के बच्चे जो है जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो पोटेंशियल अभी पढ़ाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियल क्या होता है। जब भी कोई एक चार्ज कंडक्टर अनचार्ज कंडक्टर से टच करा दिया जाता है, कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, छुआ दिया जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में एक से दूसरे की तरफ चार्ज का फ्लो होता है, और ये चार्ज का फ्लो तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता। तो पहले देखो सिर्फ इसी के पास चार्ज था, अब इसके पास भी आ गया, तो इसी को हम लोग चार्जिंग बाई कंडक्शन कहते हैं। चार्जिंग बाई कंडक्शन का जो फिनोमेना है वो यही हो जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर एक और मेथड आता है, एक दूसरा मेथड आता है जिसे हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दूसरा जो मेथड है इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड क्या होता है भाई, देखा जाए चार्जिंग बाय इंडक्शन का मेथड ये होता है, इंडक्शन का मतलब होता है, हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है, प्रेरण, हिंदी से समझ सकते हैं हम लोग, फील कर सकते हैं, प्रेरण मतलब उससे मोटिवेट हो जाना। जैसे कोई आपका दोस्त है, बड़ी अच्छी पढ़ाई करता है, आप उसके साथ रहते हैं, तो रहते 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 आप उससे मोटिवेट हो गए, उसने आपको कुछ बताया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन मोटिवेट हो गए,
कई बार जो होते हैं जो ये लीडर्स होते हैं लोग इनसे मोटिवेट हो जाते हैं, देश की सेवा करने लगते हैं किसी के नाम पे, गांधी जी से मोटिवेट होकर लोग कई सारे लोग आ गए थे देश की सेवा करने। तो इंडक्शन का मतलब होता है प्रेरणा लेना, हिंदी में कहेंगे प्रेरणा लेना या मोटिवेट हो जाना। तो चार्जिंग में इंडक्शन भी यही होता है। सपोज करिए कि कोई एक मटीरियल है जो कि चार्ज्ड है और ये दूसरा जो मटीरियल है ये अनचार्ज्ड है, ये चार्ज्ड है ये अनचार्ज्ड है, दोनों को हमने टच नहीं कराया, पास नहीं लाए हैं, तो सॉरी टच नहीं कराए, थोड़ा पास में रख दिया। तो अब क्या होगा कि ये जो चार्ज है मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा इस वाले कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको खींचेगा, भाई पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को खींचेगा। तो इस कंडक्टर के अंदर ये वाला अनचार्ज था, ये वाला चार्ज था, तो ये वाला जो चार्ज है वो इन कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है उसको खींचेगा, तो ये हिस्सा इसका नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये वाला हिस्सा इसका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक, तो अगर हम किसी चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज्ड बॉडी के करीब लाते हैं, या अनचार्ज्ड जो बॉडी है ये कंडक्टर मान लेते हैं, किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज्ड कंडक्टर के करीब लाते हैं, तो ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। पहले इस पे हर जगह चार्ज जीरो था, अभी क्या होगा इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा ये, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ओवरऑल तो वैसे देखिए इसके ऊपर चार्ज जीरो ही है, लेकिन दोनों सरफेस पे अलग अलग चार्ज आने लगा तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाने लगेगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लगेगा। तो इसको हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन, अभी भी नेट चार्ज देखो इस पे जीरो है, ये समझना है आपको। इंडक्शन में नेट चार्ज इस पे अभी भी जीरो रहता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है। कैसे दिखाता है, ऐसे समझो जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस नेगेटिव को खींचेगा मान लिया F1 से, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा मान लिया F2 से। बड़ा कौन होगा, F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा? ऑब्वियसली F1 पास है तो F1 F2 से बड़ा होगा, F1 F2 से बड़ा होगा, और ओवरऑल इसके ऊपर अट्रैक्शन लगने लग जाएगा। तो अभी भी इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है, लेकिन ये अट्रैक्शन तो दिखा रहा है ना, अट्रैक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई। ठीक है, तो अगर हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज कंडक्टर के पास ले जाते हैं तो अनचार्ज कंडक्टर पे चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो कंडक्टर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लगता है। अभी देखो नेट चार्ज अभी भी इस पे जीरो है, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करने लगा, तो अट्रैक्ट करने लगा तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लगा, तो इसी चीज को हम लोग चार्जिंग बाई इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं इसको लिखूंगा व्हेन ए चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट नियर चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर, द चार्जेस आर redistributed when a charge body is brought near a neutral conductor, the charges are redistributed on the conductor this is called charging, this is called charging by induction. इंडक्शन में ध्यान रहे आपको यह समझना है कि इंडक्टर में जो बॉडी पे नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो अगर हम चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाएं तो ये चार्ज बॉडी अनचार्ज को अट्रैक्ट करने लगती है। अभी भी इस पे नेट चार्ज अभी भी जीरो है, समझने वाली बात इसमें है कि अभी भी नेट चार्ज इस पे जीरो है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाने लगा। तो मैंने लिख भी दिया उसको, मैंने चार्ज बॉडीज ब्रॉट नियर न्यूट्रल कंडक्टर, द चार्जेस आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कंडक्टर, दिस फिनोमेनन इज दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी घटना को हम लोग इंडक्शन से चार्जिंग कहते हैं। इंडक्शन से चार्जिंग में कोई नेट चार्ज उसके ऊपर आया नहीं, भाई इसको हमने टच तो कराया नहीं था कि उछल के चार्ज चला जाएगा, तो इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं आया है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में कोई नेट चार्ज नहीं आता है, बॉडी अभी भी न्यूट्रल की न्यूट्रल ही रहती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लगती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करने लगती है, तो हम कहते हैं कि भाई ये चार्जिंग बाय इंडक्शन हो गया। ये भी चार्जिंग का एक मेथड था। एक बड़ा बेहतरीन सवाल लाया हूं आपके लिए मैं,
सवाल यह है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो अट्रैक्ट कर रही है दूसरी बॉडी बी को, ठीक है। ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज दिया हुआ है, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए है जो दूसरी बॉडी बी को अट्रैक्ट कर रही है, तो चार्ज बी पे क्या क्या हो सकता है, बी पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो थोड़ा दो मिनट का समय लेके सोचे कि अगर ए पॉजिटिवली चार्ज है और बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो बी पे चार्ज क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दो मिनट का पॉज लेके सॉल्व करें, फिर मेरा सोल्यूशन देखें। मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आएगा, हाँ, बड़ा मजेदार आंसर है। इसका आंसर जो आएगा वो भाई पॉजिटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंडक्शन में, चार्जिंग बाय इंडक्शन में चार्ज बॉडी न्यूट्रल को अट्रैक्ट करने लगती है, तो न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करेगा। तीसरा जो अभी आपको पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी पचेगा, वो ये कि ये पॉजिटिवली भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो है वो बॉडी बी को अगर अट्रैक्ट करेगी तो बी पे चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल तीनों हो सकता है, तीनों की संभावना है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा करेगा, तो सेकंड तो सही है ही, पॉजिटिव न्यूट्रल को अट्रैक्ट करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन में बताया कि पॉजिटिव न्यूट्रल को अट्रैक्ट करता है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, ऐसे भी केस हम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को कैसे अट्रैक्ट कर सकता है, जरा देखिए इसके, देखिए इसको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज है क्यू और एक बहुत लंबी सी कंडक्टिंग रॉड है 100 मीटर के आसपास। इस कंडक्टिंग रॉड के ऊपर भी चार्ज क्यू है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव है, ये स्मॉल क्यू भी है। हाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये एक कूलम है तो ये एक करोड़ कूलम है, इस टाइप से है। या ये एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है तो ये 1,200,000 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, इस टाइप का कुछ है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर के बगल में रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, चूंकि बहुत अधिक पॉजिटिव चार्ज मैंने बोला, खूब सारे इलेक्ट्रॉनों को बुला लेगा, ये बुला लेगा, यहां पे खूब ज्यादा नेगेटिव चार्ज जाएगा, उसको मैं माइनस एक्स बोल देता हूं। तो अब इस कंडक्टर के जब सारे इलेक्ट्रॉन भाग के यहां पे आ जाएंगे, यहां माइनस एक्स चार्ज होगा तो यहां प्लस एक्स हो जाएगा, और क्यू इस पे पहले से था, पॉजिटिव चार्ज की उस पर पहले से था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये रॉड कैसी है बताएं, पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है ना, एक्स प्लस क्यू यहां, यहां माइनस एक्स है, तो कुल चार्ज इस पे अभी भी पॉजिटिव है, इस पे भी पॉजिटिव है। आप देखें चूंकि क्यू बहुत बड़ा है और ये रॉड बहुत लंबी है, तो ये क्यू इस माइनस एक्स को अट्रैक्ट करेगा मान लिया F1 से, और क्यू इस क्यू प्लस एक्स को रिपेल करेगा मान लो F2 से, तो कौन बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा, ऑब्वियसली F1 बड़ा होगा, बहुत पास रखा है ना मैंने ये वाला सिरा, खूब लंबी रॉड ले ली, बहुत ज्यादा लंबी रॉड है, ठीक है। तो अब ये F1 बड़ा हो जाएगा, F2 छोटा हो जाएगा, तो कुल मिला के इसके अंदर अट्रैक्शन हो जाएगा, तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसके अंदर तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो यानी पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव को भी अट्रैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है। अब इसी के अंदर एक और बात आती है कि पॉजिटिव मान लेते हैं, जैसे एक मैं सवाल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं सवाल, ऐसे ही बता रहा हूं। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दूसरी बॉडी को रिपेल करती है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ए है जो दूसरी बॉडी को रिपेल करती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रिपेल, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रिपेल अनदर बॉडी बी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रिपेल अनदर बॉडी बी, चार्ज ऑन ए, सॉरी चार्ज ऑन बी एंड बी, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा न्यूट्रल, चौथा नन। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो दूसरी बॉडी को रिपेल कर रही है, रिपेल कर रही है, तो बी पे चार्ज क्या क्या हो सकता है। एक मिनट का पॉज ले, सोचे, फिर मेरा सोल्यूशन देखें। तो मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये दूसरी वाली बॉडी को रिपेल कर रही है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी दूसरी को रिपेल कर रही है तो रिपल्शन तो अगर हो रहा है तब तो दोनों का चार्ज सेम ही होगा ना। अगर अलग अलग चार्ज होगा तो अट्रैक्शन हो सकता है, न्यूट्रल में भी अट्रैक्शन हो सकता है,
इनफैक्ट पॉजिटिव पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है तो फिर पक्का कि दोनों पे लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस का ही रिपल्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट भी बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही तो हो सकता है कि एक चार्ज हो एक अनचार्ज हो, लेकिन अगर दोनों रिपेल कर रही तो ये पक्का है कि दोनों चार्ज होंगे। अट्रैक्शन तो न्यूट्रल से भी हो जाता है, लेकिन रिपल्शन न्यूट्रल से नहीं हो सकता है। रिपल्शन के लिए दोनों को चार्ज होना चाहिए। तो ये बात मैं नोट डाल के लिख भी दे रहा हूं, इसका आंसर जो होगा पहली बात तो यही होगा, और दूसरा एक नोट डाल के मैं लिख रहा हूं, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। रिपल्शन जो है वो चार्ज होने का पक्का पक्का टेस्ट होता है।